बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। ग्रेड सिक्स पाकिस्तान से अमिता हूँ। आपको मैंने लास्ट वीडियो में करवाया था 1.2 का फर्स्ट क्वेश्चन, आज हम कर रहे हैं 1.2 का सेकंड क्वेश्चन। फाइंडिंग द बॉक्स, इन बॉक्स में क्या है। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारे पास क्या है, प्लस थ्री प्लस माइनस सिक्स, और जो हमारे पास ये बॉक्स है इसमें क्या बढ़ जाएगा। तो मैं उसको सॉल्व करना सोल्यूशन बताते हैं। सबसे पहले क्या करें, प्लस थ्री में प्लस माइनस माइनस होता है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, प्लस माइनस माइनस, और क्या सिक्स में से थ्री के क्या हो गया, थ्री, और बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो ये हमारे पास माइनस हो जाएगा। तो बॉक्स में हम क्या कहेंगे, माइनस थ्री। अब हमारे पास जो है नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकेंड, वो है प्लस सेवन प्लस प्लस थ्री इज इक्वल टू, अब इस वाले बॉक्स में क्या आएगा, प्लस सेवन प्लस 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 हो जाएगा तो ये थ्री हो जाएगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस टेन। दोनों इसमें क्या लिखेंगे, प्लस टेन। अब क्वेश्चन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, थ्री, क्वेश्चन नंबर थ्री है माइनस सिक्स प्लस माइनस नाइन इक्वल टू बॉक्स में सिमिलर यही होगा, माइनस सिक्स है प्लस माइनस माइनस थ्री क्या हो जाएगा, नाइन हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, बेसिकली प्लस हो जाएगी लेकिन साइन क्या होता है, माइनस का ही लगता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, फिफ्टीन। तो ऊपर क्या हो जाएगा, माइनस फिफ्टीन, ये हमारा प्लान हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर, और हमारे पास क्या है, ब्रैकेट प्लस फाइव प्लस, अब हमारे पास ये है कि पहले हमारे पास अब इक्वल के बाद ब्रैकेट जो है बॉक्स आता था जिसको सॉल्व करना पड़ता था, लेकिन अब चूंकि पहले आया है और इक्वल के बाद जो हमारे पास क्या है, प्लस सेवन, तो हमें इसमें ऐसा नंबर ऐड करना है या फिर इसको सब्ट्रैक्ट करना है कि हमारे पास प्लस सेवन आ जाए, क्योंकि प्लस फाइव हमारे पास पहले से, तो ये जगह प्लस टू, प्लस फाइव प्लस टू इक्वल टू प्लस सेवन हो जाएगा। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फाइव, अब इसमें क्या हो गया, अब इसमें अब हमारे पास जो बॉक्स है वो हमारा फर्स्ट पे आ गया, हमें फाइंड करना है इसमें नंबर क्या है, प्लस माइनस फाइव इक्वल टू माइनस सिक्सटीन, तो माइनस सिक्सटीन हो गया। अब हमने ऐसा नंबर करना है कि हमारे पास जो इन दोनों को प्लस या माइनस करने से हमारे पास क्या आ जाए, सिक्सटीन आ जाए। तो हमारे पास अगर माइनस इलेवन हो, माइनस इलेवन जैसे हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस फाइव इजिकल टू माइनस सिक्सटीन ये आ जाता है, तो हम क्या ऐड करेंगे, माइनस इलेवन ऐड करेंगे खुद से। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सिक्स, बॉक्स में हमारे पास है, फिर हमारे पास है प्लस माइनस सेवनटीन इज इक्वल टू प्लस टू। अब हम इसमें ऐसा कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करने के जिससे हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस टू आ जाएगा, चूँकि ये माइनस सेवनटीन है, अगर हम इसमें नाइनटीन ऐड करें तो क्या हो जाएगा, प्लस नाइनटीन। जैसे प्लस नाइनटीन है, प्लस माइनस माइनस सेवनटीन है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्लस टू, प्लस माइनस माइनस होता है, साइन हमेशा जो बड़ी वैल्यू के साथ होता है वो होता है। अब हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन हमारे पास क्या है, प्लस हंड्रेड प्लस, अब हमारे पास बॉक्स आ गया इज इक्वल टू फिफ्टी, पॉजिटिव फिफ्टी। अब हमें ऐसा कौन सा नंबर इसमें ऐड या रिमूव करना है जिससे हमारे पास फिफ्टी आ जाए, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, माइनस, यहाँ भी क्या रहेगा, माइनस फिफ्टी हो जाएगा, तो ये हम क्या, प्लस हंड्रेड प्लस माइनस माइनस फिफ्टी इज इक्वल टू प्लस फिफ्टी, प्लस माइनस माइनस हो जाता है, चूँकि हम बड़ी से वैल्यू का साइन लेते प्लस है, तो वो भी प्लस फिफ्टी हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर एट, ये हमारे पास है माइनस इलेवन, बॉक्स आ गया हमारे पास, और हमारे पास क्या आ गया, माइनस वन इलेवन, ये हाँ गया इक्वल टू साइड। तो हमने ऐसा कौन सा नंबर ऐड या सब्ट्रैक्ट करना है जिससे हमारे पास हम इधर लिखेंगे कि उसको प्लस और माइनस करने से हमारे पास क्या जाएगा, वन इलेवन, तो इसमें हम हंड्रेड हंड्रेड प्लस कर देते हैं तो क्या होगा, माइनस हंड्रेड कर देते हैं, जैसे माइनस इलेवन प्लस माइनस माइनस हंड्रेड इज इक्वल टू माइनस हंड्रेड, चूँकि माइनस इज इक्वल टू वन इलेवन हो जाएगा, सॉरी ये हमारे पास क्या हो जाएगा, माइनस वन इलेवन, माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, साइन माइनस का ही रहता है, तो ये हमारे पास क्या हो जाते हैं, वन इलेवन टू के माइनस वन इलेवन के खिलाफ यहाँ क्या जगह हंड्रेड आ जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर टू हो गया, इसको इसको अपने कॉपीज पे लिख लेना है, सेपरेटिव भी कर लेनी है, और इसको अच्छी तरीके से लर्न भी कर लेना। अल्लाह हाफिज़।